हाय दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं पुष्पा आपके सामने नया रेसिपी के साथ आ गई हूँ। आज का जो रेसिपी है चावल का पापड़ है। मैं ये एक दिन पूरा भिगा के लगाया है, उसका मिक्सी में डाल के मैंने इसे एकदम गाढ़ा पीसा है, थोड़ा सा पानी डाल के पीसा है। मैं एक गिलास बोल तो छोटा जो चाय पीते हैं वो गिलास से चावल लिया है। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखिए एकदम परफेक्ट है ये पापड़ बनाने के लिए, चावल के पापड़ के लिए एकदम परफेक्ट है। एक गिलास चावल लिया है, उसमें मैं आधा गिलास पानी डाल के पीसा है। पानी कम ज़्यादा मत कीजिए, एक गिलास के लिए आधा गिलास पानी बराबर है, आप लोग कम मत कीजिए। इसमें मैं एक चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ, मैं यह घर में बनाया है। एक चम्मच उत्ता डाल रही हूँ, एक गिलास के लिए एक चम्मच बस है। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो थोड़ा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर एक ही चम्मच ले रही हूँ। और अपना स्वाद अनुसार नमक डालिए, मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक लिया है। एक बार इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा सा मिक्स तो कर चुके हूँ, अभी यहाँ पे मैं टिफ़िन बॉक्स का ढक्कन लिया है। अगर आप लोगों के पास मीडियम साइज़ का है तो मीडियम साइज़ का भी ले सकते हैं, फ़िलहाल मेरे पास ये अवेलेबल है इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। थोड़ा सा लाइटली इसको तेल लगाना है, तेल ज़्यादा भी नहीं लगाना है, तेल लगा के एक चम्मच उतना डालना है। देखिए मैं डाल रही हूँ, इसको आहिस्ता आराम से ऐसा राउंड घुमाते जाइए, वो खुद ही फैल जाएगा। देखिए मैं जिस तरह से कर रही हूँ आप लोग उस तरह से कीजिए, एकदम परफेक्ट आ जाएगा। देखिए अभी एकदम परफेक्ट हो गया है। मैं ऑलरेडी पानी गर्म करके रख दिया है, देखिए थोड़ा सा एक आधा ग्लास पानी डाला है, उसके ऊपर जाले का एक लगा दिया है और इसके ऊपर जो हम जो बैटर डाल के लगाया है लगा के लगा देंगे, इसको ढक्कन लगा के ढक के एक आधे मिनट तक इसको पकाएंगे, जल्दी से पक जाएगा। पहला थोड़ा आधा मिनट होएगा, उसके बाद में फटाफट होते जाते रहेगा। ये तो पक चुका है, आप लोगों को मैं बताती हूँ, देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है। मैं स्पून से आपको निकाल के बताती हूँ, देखिए जस्ट ऐसा करने से पूरा निकल जा रहा है, प्लेट से एकदम बाहर आ गया। देखिए आप लोग भी ट्राई करिए, ट्राई करें तो बहुत अच्छा परफेक्ट आएगा। देखिए आप लोगों को दो साइड में भी बताती हूँ, एकदम परफेक्ट है। अभी इसको 10 मिनट तक फ़ैन के नीचे सुखा लेती हूँ, उसके बाद में बाहर सुखाती हूँ। देखिए एकदम परफेक्ट सूख गया है। अभी इसको मैं तेल में डाल के बताती हूँ आप लोगों को, देखिए तेल में डालते एकदम फूल गया है, जैसे हम लोग बाहर से लाए सो पापड़ जैसा फूलता है उसी तरह से फूल रहा है। जस्ट ये चावल और नमक मिर्ची पाउडर बस इतना ही, तीनों से इतना मज़ेदार बना है। आप लोगों को मैं बताती हूँ कितना अच्छा क्रंची बना है, तोड़ के बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए हाथ में डाल के ऐसा क्रश करते टूट गया, देख एकदम परफेक्ट हुआ है। आप लोग भी घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।